वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं हूँ कतरा में और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी माता के मंदिर। यहाँ आने के लिए तुम्हें सिंपली कुछ नहीं करना है, केवल अपने पास के रेलवे स्टेशन से टिकट देखना है कतरा का और सीधे यहाँ आ जाना है। अगर तुम लोग सुबह आते हो तो सीधे जा सकते हो मंदिर के लिए, और अगर रात को आते हो यहाँ पे तो तुम्हें रूम लेना पड़ेगा और रूम का चार्ज कुछ ज्यादा नहीं है, 500 से लेके 1500 तक। ये रूम हमने लिया है, ये हमको पड़ा है 600 में। बाकी हम तीन लोग है, मैं, पंकज और सूरज भी, हम लोग निकलने वाले हैं। सुबह के 10 बज चुके हैं, 10 बजे हम लोग निकल रहे हैं, शायद रात तक पहुंच पाएंगे, निकलते हैं यहाँ से। बाकी रूम की कंडीशन हमने कुछ ऐसी कर दी है। एक बार इसका वॉशरूम और चेकआउट करा देता हूँ। वॉशरूम कुछ ऐसा मिलने वाला है, इंग्लिश नहीं है, प्रॉपर देसी वाला है ये तो। और शावर वगैरह भी मिल जाएंगे तुम्हें 600 के अंदर, अगर तुम लोग हम जैसा रूम लेना चाहते हो, इकोनॉमी रूम। और ये कुछ नॉन एसी रूम है सारे के सारे, एसी तो यहाँ पे मिनिमम ही मिलेगा आपको, सब जगह पे फैन ही मिलने वाला है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है तो भाई एसी की क्या जरूरत है इधर। बाकी रात में ये भी बहुत कम नहीं था, इससे भी इतनी सर्दी लग रही थी हम लोगों को। कह सूरज, ये तो बेचारा कंबल के अंदर घुस गया था। तैयार हो गया? ओके, चलो निकलते हैं। बाकी अपना सामान रख लो सारा का सारा। ये कार्ड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रजिस्ट्रेशन का, वरना इसके प्रॉब्लम हो सकती है तुम लोगों को। बाकी प्रसाद वगैरह भी हमने ले लिया है, अभी रुके हुए हैं किसी ढाबे पर खाना खाने के लिए। उसके बाद यहाँ से सीधा अपन लोग ऊपर जाने वाले हैं। बाकी ये पट्टी वगैरह 11 किलोमीटर का ट्रैक है इसका, और उसके बाद पहुँच जाएंगे माता रानी के मंदिर में। अब ये देखो गाइज, हमको ऊपर जाना है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रसाद भी ले लिया, खाना वगैरह खा लिया सुबह से ही, अब तो सीधे निकलना है, शाम तक पहुँच जाएंगे 7 या 8 बजे तक। 10 रुपये दादी, हमारे पास एक ही नहीं है खुले कैश में, नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, इसका सबसे बड़ा मेन कारण है कि ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। कैसे रहे? बिल्कुल भाई, अभी 2 चेक पोस्ट पास करके आए और एक और चेक पोस्ट आ गया सामने। सिक्योरिटी का बहुत तगड़ा मैटर है इधर। इधर से मिट्टी की है, कलर कर दिया है, मिट्टी की मूर्ति है। बाकी ये लोकेशन बहुत मस्त है यार। ये है बाणगंगा घाट इसका, ये देख लो भाई साहब कितनी मस्त तरीके से पानी जा रहा है। बाकी हम लोग नहाने वाले हैं इसमें, और यहाँ पे उधर की साइड में ज्यादा क्राउड है, इधर बहुत कम है, तो हम लोग इधर ही नहाने वाले हैं। सूरज कपड़े उतारो। ठंडा पानी है, बाकी इसका फ्लो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मजे आ रहे हैं। मैं आज फोटो प्रूफ है सही में। जल्दी आ, ले गए हम अपनी सेटिंग को। जल्दी आ। दोनों तैयार हो रहे हैं, और इसका जो फ्लो है उसमें सबसे ज्यादा मजे आने वाले हैं। पीछे से चड्डी उतर जाती है सबकी, अगर ऐसे करके फेस करके इधर की साइड में बैठे हुए तुम लोग, बाकी वहां आगे और ज्यादा मजे आए। सजा है हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज अब है जो है वो समय। तुम लोगों को यहाँ पर कोई भी चीज MRP के अकॉर्डिंग नहीं मिलने वाली है,
क्योंकि यहाँ पर ये 20 रुपए की स्टिंग तुम लोग देख रहे हो, ये 30 रुपए की दी है, बाकी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ये लोग दुकानदार सारे के सारे। ये चीजें मुझे सबसे ज्यादा बेकार लगती है, ऐसे ही केदारनाथ में भी था और यहाँ पर भी है। गवर्नमेंट से मेरी गुजारिश है कि इन चीजों पर थोड़ा ध्यान दे, कस्टमर्स को परेशानियां होती हैं, बाकी रास्ते में सबसे ज्यादा मजे आने वाले। ऑनलाइन पेमेंट तो तुम लोग कर ही नहीं सकते यहाँ पर, फोन पे वगैरह बिल्कुल ना के बराबर दुकानदार, ना के बराबर लोग ही यहाँ पर फोन पे वगैरह यूज कर रहे हैं। आधे से ज्यादा रास्ता हम लोगों ने कवर कर लिया है, बाकी अभी 7 किलोमीटर का रास्ता बकाया है और सूरज भाई साहब ने 200 रुपए की पर्ची कटवा ली है अपनी। इनके साथ स्कैम हो गया 200 रुपए का, मतलब यहाँ के लोकल के लोगों ने इनसे हेल्प के बहाने 200 रुपए निकाल लिए। कैसा लगा है कटवा के? मांग लिए, मांग रहे थे तो मैंने दे दिए, क्या दिक्कत है? पैसे वाले है ना? अरे पैसे वाले नहीं, अच्छी बात है, ऐसी करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा भाई। अभी तुमको यही करना पड़ेगा, खड़े होके तुमको भी हम पैसे मंगवाएंगे। इसको जब पे कर रहा था, इसने ऑनलाइन पे किए थे, तभी इसको समझ जाना चाहिए था कि जब मदद चाहिए तो भाई उनके पास मोबाइल है, उनके अकाउंट में खुद होंगे। खतरनाक वाला उल्लू है ये, तो इन चीजों से आप लोग सावधान रहे। भाई आस्तिकी की भी हद होती है, ये देख लो आस्तिकी के भूत यहाँ पर भी आ चुके हैं। पहले माता रानी के दरबार में ये चीजें गलत मत किया करो लोग यार, ये सूरज जैसे ही है। अभी को साथ लेके आ जाते हैं और फिर इन दीवारों पे नाम लिखते हुए घूमते हैं। चट ये चेकआउट करो यार, पूरा ऊपर बादलों के अंदर, ऐसा लग रहा है आसमान में आ गए हैं। अब सबसे ज्यादा मजे आने वाले हैं, अब आएगा असली मजा, ये देखो। हाँ अब सर्दी सी लग रही है, नेक नेक सर्दी है पर सर्दी है नहीं। भाई गाइस अभी 2 महीने पहले मैं केदारनाथ गया था, केदारनाथ में इतनी अच्छी जुगाड़ या व्यवस्था नहीं थी जितनी यहाँ पे, सारी चीजें ऑल फैसिलिटी मिलने वाली है। बाकी वहाँ तो तुम लोग ज्यादा ही परेशान होने वाले हो, ऊपर से बारिश भी होती है, उसकी हाइट ज्यादा है इस वजह से, और यहाँ हाइट कम है। बाकी थोड़ी बहुत थकान हो रही है, ज्यादा थका नहीं है, ज्यादा खतरनाक वाला ट्रैक नहीं है जैसा केदारनाथ में था। अब ये देखो सामने जाना है गाइस, हम लोगों को सामने पूरा का पूरा बादलों ने कवर कर रखा है। ट्रैकिंग के भी गाइस 2 मोड है, एक तो ये ढलान वाला, दूसरा स्टेयर यानी सीढ़ियां है, उससे भी आ सकते हो, लेकिन सीढ़ियों में ज्यादा परेशान हो गए। मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ऐसे ही आओ, ऐसे ज्यादा परेशान नहीं हो गए। बाकी वॉकिंग तो हम लोग रोज ही करते हैं, और स्टेयर से आओगे तो परेशान हो जाओगे। चलो एक साइड हो जाओ भाई। गाइस इनसे भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, यहाँ पर भी है और केदारनाथ में तो बहुत ज्यादा ही थे। इन चीजों पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। अब समझ रहे हो मैं किसको पॉइंट कर रहा हूँ इस जगह पे। क्या हो गया वाह यार, बाबा तो पन्नी तो यार वैसे फंस सकते पीछे थे, मोबाइल तो टाइट पकड़ ही लो, तो मोबाइल पकड़ ले, अब जा पन्नी हटा। मैं क्या करूं, पन्नी को जान दे। चलो माता रानी का चढ़ावा ले गया, माता रानी का प्रसाद ले गया बंदर। नशा में हो तो नशा। अरे यार एक बात होता, पीछे थे हम लग रहे हो, तो मैं क्या करूँ यहाँ में। गाइस ये देखो यार, ये क्या है भाई, बादल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ये देखो भाई मजा आ गया भाई। मजे आ गए यार यहाँ आके, अलग ही सीन है। ये देखो सूर्य भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, मजे आ गए, आनंद आनंद। भाई गाइस देख सकते हो बैकग्राउंड में क्या मस्त तरीके से बादल ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई यार कितनी ऊंचाई पे है अपन, भाई एक नंबर जगह, तुम्हें यहाँ पे जरूर आना चाहिए अगर तुम लोग जम्मू के आसपास रहे हो, और दूर भी रह रहे हो फिर भी आओ यार, ऐसी जगह इंडिया में बहुत कम है जहाँ ऐसे ऐसे व्यूज मिलने वाले हैं। ये प्रसाद
मिल रहा है यहाँ पे, और चाय भी है साथ में। भाई इस जगह पर भी स्कूल है वैष्णो देवी माता के यहाँ पे। ये बहुत मस्त चीज लगी मुझे कि यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं की गई हैं गवर्नमेंट द्वारा। मोबाइल लेवे आ रहे हैं जो मोबाइल लेवे। गाइस हम लोग यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं, अभी हम लोग सोच रहे हैं ये केबल कार वाला सिस्टम एक बार ट्राई कर लिया जाए, लेकिन इतने पैसे नहीं हैं इसके पास। इनसाइड द केव है ना, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग पंकज को यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, और सारे के सारे मोबाइल जो भी सामान है वो सीसी को दे जाते हैं, बाकी बाद में फिर पंकज चला जाएगा दर्शन के लिए। केव के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, तो इस वजह से ये व्लॉगिंग वगैरह तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। दर्शन तो अच्छे से हो गए, बस एक ही प्रॉब्लम है, हमारे पास कैश नहीं है बिल्कुल भी, और आईफोन भी हमारा गया, आईफोन बेच दिया हमने, बेचा नहीं है। बाकी तुम लोगों से गुजारिश ये है कि यहाँ पे आओ तो कैश लेके आना, ज़्यादा यहाँ पे लोग फोन पे वगैरह यूज़ नहीं करते। यहाँ पे जो चेकिंग है, चेकिंग पोस्ट है, और जो यहाँ पे बंदे हैं उनकी जो AK-47 है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अभी हम लोग जा रहे हैं भैरवनाथ टेम्पल, ये यहाँ से रास्ते से 2 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। बाकी जब केदारनाथ का ट्रैक कर ही लिया है तो ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अभी हम लोग भैरव मंदिर के पास में है, बाकी ये वाला जो ट्रैक था वो वैष्णो देवी वाले ट्रैक से ज़्यादा ढलान वाला था। यहाँ गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है, और हम लोगों को भी लाइन में लगना पड़ेगा। वंस अगेन गाइस भैरव बाबा के मंदिर पे भी कैमरा ले जाना मना है। अब हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं भोजनालय, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही सुविधा प्रोवाइड की गई है, बल्कि ये खाना सारा का सारा हमें 300 रुपये के अंदर पड़ा है। सही है व्यवस्था, एक नंबर। खाना कैसा है? ओके पंकज, खाना कैसा है? तो देख सकते हो 2 लोगों के रिव्यू मैंने दिलवा दिए हैं, खाना बढ़िया है। कबूतर, रात का कबूतर। अभी रात के 10:30 बज चुके हैं, और अभी तक हम लोग भैरव बाबा के मंदिर पे ही थे, क्योंकि खाना वगैरह खाया उसके बाद फोन वगैरह भी हम लोगों ने चार्ज लगाए, और सबने 100-100 कर लिए अपने। 100% भाई, 100%। उसके बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे, 10:30 तो बज चुके हैं, सुबह के 4 बजे तो तक चलो चलते हैं नीचे भाई यार, चलो जल्दी चलते हैं थोड़ा, चलो चलो। आई होप तुम लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो चल भाई यार, चल लेट हो रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चलो।